ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 6 जो कि है Conic Section. इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है Equations of Tangents and Normals to a Circle, जबकि दूसरा टॉपिक है इसमें Theorems of Circle. अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं जो कि हमें इन कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर बनाएंगे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. एमसीक्यू नंबर 1 है जी, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, और उस सर्कल की जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट पी, जो के हमारे पास गिवन पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 इसका एब्सिसा है और 2 इसका ऑर्डिनेट है. ठीक है, अब असल में अगर हम देखें तो ये जो टेंजेंट हमारे पास है, ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, जैसे अगर ये एक कर्व है और उसके इंटीरियर से नहीं पास होगी, यानी अगर सर्कल है तो सर्कल के अंदर से पास नहीं होगी, बस उसको एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजर जाएगी. ठीक है, अब ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है. अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग के जो हमारे पास टेक्निक अगर उसको अप्लाई करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये वो जो भी इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनमें टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी उसमें लाजमी ये पॉइंट पी लाई करता होगा और इसके कोऑर्डिनेट उसे सेटिस्फाई करेंगे. जैसे अगर हम ए इक्वेशन में देखें तो एक्स की जगह -1 और वाई की जगह 2 लिखने से -1 प्लस 2 0 नहीं होता, इसलिए ये इक्वेशन नहीं हो सकती. ठीक है, अगर हम सेकंड को देखें इसमें 2x प्लस y है, यहाँ पर x की जगह आप -1 लिखें तो ये -2 हो जाएगा, प्लस y की जगह 2 लिखें तो ये 0 बनता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, बी ऑप्शन हो सकता है. अब सी को देखते हैं, यहाँ पे x की जगह -1 लिखें और प्लस 2 4, तो -1 प्लस 4 3 इक्वल टू 0, ये रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, जबकि यहाँ पर ये 4 -1 3 हो जाता है, ये भी मतलब दोनों एक ही बात है, बस इसकी आप समझ तरतीब बदल दी है. तो इसका मतलब फिर ऑप्शन बी ही जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे. नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज, मतलब कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल हो, ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक सर्कल को, चले फर्ज करते हैं, कोशिश किया कि एक सर्कल की फिगर बन जाए. ठीक है, कोई कमी पेशी हो तो आप इग्नोर कीजिएगा. अब अगर एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है और इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यानी एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे और इसके इंटीरियर से भी पास ना हो, रिसा से गुजर जाए. ठीक है, इसी तरह इसी पॉइंट से अगर मैं एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से, तो मैक्सिमम दो ही टेंजेंट गुजर सकते हैं. ठीक है, और मतलब अगर इस पी पॉइंट से जहाँ पर ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसे मैं ये कह देता हूँ, ये डिस्टेंस आप ले लें पी से ए या पी से बी ले लें, ये बराबर होते हैं. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इस सूरम में जो है वो पढ़ रखा है. ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो ऑप्शन आएगा 2 वाला वो बेस्ट होगा, यानी दो टेंजेंट्स जो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से और एक सर्कल के लिए. ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा यहाँ पर फिर बेस्ट ऑप्शन होगा. 3 टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकते, देखें अब हमारे पास और मज़ीद गुंजाइश नहीं कि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, चूँकि सर्कल में मज़ीद मतलब अगर आप देखें तो अगर थर्ड भी ड्रॉ करेंगे तो रिपीट होगा, मतलब वही होगा जो पहले हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था टेंजेंट, इसलिए ऑप्शन बी जिसमें 2 लिखा वही यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा. बल्कि यहाँ पर हम साथ ही एक दो बातें और भी समझ लेते हैं जो कि हमें नेक्स्ट एमसीक्यू में हेल्प करेंगी. एक ये कि जो टेंजेंट आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, रे है यहाँ पर, इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये, और जो रेडियल सेगमेंट है जो कि सेंटर से सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पर कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है इस टेंजेंट का, इसे अगर कनेक्ट किया जाए तो ये एंगल जो बनता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनता है. यानी कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और उसके परपेंडिकुलर जो मेरे पास लाइन होगी
लाइन सेगमेंट होगी वो रेडियल सेगमेंट होगी, जो कि फिर मैं कहूंगा कि नॉर्मल टू द हमारे पास क्या है जी सर्कल है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम नॉर्मल टू द सर्कल की बात करेंगे तो स्लोप जो होगी यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है नॉर्मल लाइन है वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव 1 टू द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन है जी जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3y प्लस 27 इक्वल टू 0 इज। अब ये डिस्टेंस क्या होगा? बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ इस बात को, तो ये फर्ज करें अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये सर्कल ड्रॉ किया। अब इसका मतलब एक पॉइंट जो कि गिवन है ये, ठीक है, इसे मैं पी पॉइंट कह देता हूँ। इसका यहाँ पर जहाँ पर कि ये जाकर इस सर्कल को टच करेगा, ठीक है, टेंजेंट लाइन जो है सर्कल को टच करेगी, फर्ज कर लें यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। लेकिन हमारी हेल्प यहाँ पर जो है सेंटर भी कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है जी, जबकि गिवन जो हमारे पास पॉइंट है उसको अगर हम देख लें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 2 और माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, इससे हम तब रेडियस निकाल सकते हैं। और ये इस तरीके से ये डिस्टेंस जो है ओ से पी ये हमारे पास आप यूँ समझ लें कि सेंटर से लेकर इस पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यूँ देखें इस बात को कि मतलब क्यू पॉइंट कोई भी हो सकता है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम फिलहाल नहीं लिखते, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस क्यू से लेकर सेंटर तक है ये रेडियस है, रेडियल सेगमेंट है। तो हम यहाँ पर एक पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाकर जो ये डिस्टेंस है पी से लेकर क्यू तक ये बेसिकली हमने फाइंड करना है, ये किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर जो है ये चूँकि हमारे पास ये वाइट कलर में जो आपको लाइन नज़र है 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसका स्क्वायर यानी ये अगर सी पॉइंट हो तो हम यूँ कहेंगे कि सी से लेकर पी जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा क्यू से लेकर पी डिस्टेंस के स्क्वायर प्लस क्यू से लेकर सी डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, यानी पी से लेकर क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस क्यू से सी डिस्टेंस के स्क्वायर के। जबकि इस अगर कम को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो मेरे पास पी क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कि फिर यूँ बन जाएगा कि माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू से सी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ को जब दर्ज किया गया था और हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था, ठीक है, तो हमारे पास चूँकि जो फार्मूला है रेडियस का वो बेसिकली क्यू सी डिस्टेंस का मतलब फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर तो उसका ऑलरेडी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। हम ये कहेंगे जो पी क्यू डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट ऑफ सी पी डिस्टेंस के। अब सी पी कैसे आएगा कि आप यहाँ पर टू में से 2 माइनस माइनस जी करेंगे तो 2 प्लस जी का होल स्क्वायर कर लें और माइनस 1 प्लस एफ का होल स्क्वायर कर लें, ठीक है, और जी और एफ की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2g यहां पर माइनस 5 के इक्वल है, ठीक है, यानी जी की वैल्यू यहां पर माइनस 5 ओवर 2 है, जबकि एफ की वैल्यू जो है यहां पे वो इसी तरह 2f इक्वल टू माइनस 3 तो माइनस 3 बाय 2 है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम एक फार्मूला में यहाँ पे लिखूँगा उसमें हम पुट कर लेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर, यानी एक्स वन ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वन और ये वाई वन है, ठीक है, और प्लस इसी तरह वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर, वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और साथ में ही माइनस
ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। अब इनकी वैल्यूज को हम दर्ज कर लेते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वन हमारे पास क्या था, 2 था, और जी कितना है, माइनस 5/2। तो 2 में से आप माइनस कर दें 5/2, उसका स्क्वायर ले लें, प्लस इस तरह वाई वन हमारे पास क्या है, माइनस वन है, माइनस वन में माइनस कर दें आप 3/2 और फिर इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, इसी तरीके से माइनस अब जी स्क्वायर किसके इक्वल है, 5/2 के, तो यहाँ पे माइनस 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा, एफ की वैल्यू है -3/2, इसका स्क्वायर और माइनस सी, और सी जो है हमारे इस क्वेश्चन में वो 27 है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि मैं रफ वर्क में इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपके सामने सारा एक्सप्लेन कर दिया और इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे ये +27 था। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ पर जब मैंने इसे सॉल्व किया तो -5/2 का स्क्वायर पॉजिटिव के साथ और -5/2 का स्क्वायर नेगेटिव के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे नंबर। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम देखें सिंप्लीफिकेशन को तो 4 8 को कैंसिल कर देगा 2 से, -2 आ जाएगा जो कि 27 में ऐड होगा तो 25, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है जो कि 5 के इक्वल है, यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो जिसमें कि ए इसका रेडियस है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एट पॉइंट एक्स वन, ये मतलब हमारे पास एब्सिसा है, और वाई वन ये ऑर्डिनेट है। तो इसमें से इन तमाम गिवन ऑप्शन में से आखिर वो कौन सा ऑप्शन जिसमें कि हमने ये रिलेशन डिराइव किया था कि अगर एक सर्कल गिवन हो तो उसके ये जो मतलब जो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या बनेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक रिवाइज कर देता हूँ इस बात को क्विकली। हम जानते हैं कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को मैं इस सर्कल के अंदर इस वाई की जगह सब्सटीट्यूट कर लूँ, क्योंकि ये टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू ए स्क्वायर, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर और प्लस टू एम सी टाइम्स एक्स, और ये ए स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो वन प्लस एम स्क्वायर, ये कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जबकि टू एम सी ये एक्स का कोफिशियंट है, और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हमने जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, और डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यूज को जब पुट किया गया, बी मतलब जो कि 4 बन जाएगा, मतलब 2 एम सी है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 ए सी, तो 4 ए कितना है, 1 प्लस एम स्क्वायर है, और सी जो है हमारे पास वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास मतलब पॉइंट है यानी सर्कल जो है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि या जीरो के इक्वल होने का मतलब होता है कि रियल और कोइंसिडेंट है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे एक्स की वैल्यू के लिए। ठीक है, और मतलब एक्स के मतलब रूट्स के लिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट रूट्स की नेचर को बताता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको खुद जीरो के इक्वल जब पुट किया तो हमारे पास जो कंडीशन आई थी उससे हमने सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। ठीक है, यानी फोर इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, ठीक है, उसे हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास रिलेशन आएगा, मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के बाद, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स वन प्लस एम स्क्वायर आ गया था। ठीक है, तो देखिए ये जो रिलेशन हमें किस तरफ लेके जा रहा है, सी स्क्वायर
जब ये 4 0 से आकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, c स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू आएगा a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर के, ठीक है। या आप यूं समझ लें कि अंडर रूट ले लेंगे तो a इनटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, यानी ये हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन है, चूंकि ये x1 y1 पॉइंट से गुजर रही, तो x की जगह x1 आ जाएगा और जो c है उसकी जगह हम अंडर रूट a या a स्क्वायर को हम अंडर रूट से बाहर लिख दें तो a इनटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर ऑप्शन d जो है हमारा यहां पे एक बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज अ नॉर्मल टू द सर्कल, जिसकी के इक्वेशन ये गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें पता चल रहा है कि इसका सेंटर जो है, क्योंकि x में से जो नंबर माइनस हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट है सेंटर का 1, और जो y में से माइनस हो रहा है वो y कोऑर्डिनेट है सेंटर का, तो इसका सेंटर जो है सर्कल का वो हमें पता है एक तरह से, ठीक है। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी वो इक्वेशन है जो कि नॉर्मल टू द सर्कल है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि नॉर्मल जो है बेसिकली वो रेडियल सेगमेंट होती है, और रेडियल सेगमेंट सेंटर से स्टार्ट होती है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है सेंटर का, ये इन इक्वेशन में से जिस इक्वेशन के लिए मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर देगा, वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। यानी मैंने यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग को जो है उस मेथड को यूज़ किया है, ठीक है। अगर हम ये ऑप्शन को देखें तो यहाँ x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट किया जाए तो 3 आंसर आ जाता है, ये ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर आप b को देखें तो इसमें ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आता है और 2 माइनस 2 भी 0 होता है, 0 प्लस 0 0 के क्या होता है 10 के नहीं होता, ये फॉल्स है। और इस तरह यहाँ भी देखें तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा, फॉल्स है। या यहाँ पर 2 प्लस 2 इक्वल टू 3 लिखा हुआ जो कि फॉल्स है। तो इसका मतलब कि जो 1 या ए ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन, वही यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा और इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, सर्कल जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, जबकि इसका रेडियस जो है वो ए है। यानी इसकी इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट एक्स वन वाई वन इज। अब नॉर्मल टू द प्लेन जहरी बात सॉरी नॉर्मल टू द सर्कल जहरी बात है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी ये रेडियल सेगमेंट की इक्वेशन होगी, ठीक है, जो कि सेंटर से एक तो इस सर्कल के पास हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर लूँ, फर्ज कर लें हम और यहाँ पर एक रफ सी फिगर बनाते हैं, ठीक है, फर्ज करें ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन मतलब सेंटर जो है वो तो ओरिजिन है, 0 0 इसका सेंटर, जबकि ये पी पॉइंट जो ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन और वाई वन। तो इस रेडियल सेगमेंट जो कि नॉर्मल टू सर्कल है, इसकी स्लोप क्या होगी अगर हम उसको देख लें, तो स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है, ये न्यूमरेटर में लिखते हैं तो ये वाई वन आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वो एक्स वन ही आ जाएगा, चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंटर का वो 0 है। तो ये स्लोप आ गई। अब हम जानते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, कि वाई माइनस अगर वाई वन होगा, ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके होगा, एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन के। अब यहाँ पर जो मैं एक्स वन और वाई वन पॉइंट ले रहा हूँ, चूँकि मैं पॉइंट जो ले रहा हूँ वो सेंटर ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो यहाँ पे y माइनस 0 आ जाएगा, यानी y आ जाएगा, m की जगह y1 ओवर x1 आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 0 x आ जाएगा। तो अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो देखें y इंटू एक्स वन इज इक्वल टू x इंटू y1 बन रहा है, या अगर मैं इस टर्म को उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर लूँ तो ये एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन, और यहाँ पर इक्वल टू 0 रह जाएगा, जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत हम राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो सी में अवेलेबल है ये आंसर, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे जो सी इक्वेशन है बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल है, जो कि जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और जिसका रेडियस जो है वो ए है।